टेक्निकल एक्सपीरियंस और मैं आज बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट का सोलर रूफटॉप योजना के बारे में। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करने का जो लक्ष्य रखा है ये उसी की तरफ एक कदम है। इस स्कीम के बारे में मैं तीन महत्वपूर्ण चीज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर वन, इस स्कीम के तहत हर व्यक्ति अपने घर में यानी रूफटॉप में सोलर लगवा सकता है। देन नंबर टू, हर व्यक्ति अपने सोलर रूफटॉप बनवाने का खर्चा में 40% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीन और सबसे अनोखा, हर व्यक्ति इस सोलर रूफटॉप से पैदा होने वाली ऊर्जा को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो ग्रिड में भी इंजेक्ट करके फिर पैसा भी कमा सकते हैं। इस स्कीम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। इस पोर्टल के जरिए आप इस स्कीम के बारे में हर कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने का फॉर्म भी इसी पोर्टल के थ्रू आप फिलअप कर सकते हैं। भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। अलायंस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.com.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर आर्किटेक्ट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन और ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कंफर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। फ्रेंड्स, इस पोर्टल में एंटर करते आपको 2 प्लस बटन मिलेंगे, रजिस्टर हियर एंड लॉग इन नाउ। पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए पहले रजिस्टर हियर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक विंडोज आएगा, उसमें आपको एंटर करना है आपका स्टेट, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, देन आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फर्दर आपको मोबाइल नंबर देन ईमेल आईडी डालना होगा। साथ में आपको एक डाउनलोड लिंक दिया जा रहा है संदेश ऐप का। इस साइट के एसोसिएटेड जितना भी SMS आपको आएंगे यानी OTP सब इस संदेश ऐप का जरिए ही आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालने के बाद सबमिट करते हैं तो आपका ईमेल आईडी में एक लिंक चला जाएगा। उस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन बटन क्लिक करते ही आपका राइट हैंड साइड में एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना है, साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालना है। फिर जैसे ही आप लॉग इन में क्लिक करेंगे आपका संदेश ऐप में एक OTP चला जाएगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आप लॉग इन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साइट में एंटर करने के बाद आपको आपका सारे डिटेल्स फिल करना है एस टू अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स, ये सारे डिटेल्स आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वही पे आपको सारा मिल जाएगा। लास्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, और आपका डिस्कॉम का रिक्वायरमेंट का अनुसार अगर दूसरा कुछ आइटम भी आपको अपलोड करना है तो वो नीचे आप अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रहा आपका सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस के लिए अप्लाई। इसके बाद का प्रोसेस आपका डिस्कॉम से फॉलो किया जाएगा जो कि विंडोज का लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है, वो सारे होंगे, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। फ्रेंड्स, इस साइट में आप इसके अलावा बहुत सारे दूसरा कुछ भी देख सकते हैं जैसे कि आपका एरिया में कौन कौन से वेंडर अवेलेबल है और उनका रेट्स क्या है,
वो भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एम पैनल वेंडर्स इन माय एरिया, वहां क्लिक करते आपको ये